वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास सेवन्थ के मैथ्स का चैप्टर 5, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें मैंने लास्ट टाइम सॉल्व की थी एक्सरसाइज 5.1। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको K1 क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना होता है, जिनके साथ सेम वेरिएबल हों, जैसे 2a, आपने a वाला वेरिएबल ढूंढना है, दैट इज 3a। देखिए 2a भी प्लस का है, 3a भी प्लस है, दोनों को ऐड कर देना है। उसके बाद है 8, 8 कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है, 7 भी कांस्टेंट है। इनके साथ जो साइन लगे हैं उनके अकॉर्डिंग आपने इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके एस वाला कोई भी नहीं है, ये लास्ट था वैसे भी आपका टर्म, तो -7s बच जाएगा। इस तरह से आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। चलिए करते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने क्या करना है, 2a प्लस 3a, जो सेम टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद था आपका प्लस का 8 है, माइनस का 6 है, माइनस का 7 है, ये सभी कांस्टेंट टर्म थी आपकी, और आपका लास्ट में बच गया है माइनस का 7s। 2a प्लस 3a आपका कितना हो गया, 5a। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 8 माइनस 6 दैट इज़ 2, 2 माइनस 7 दैट इज़ माइनस का 5, और ये है आपका माइनस का 7s। अब आपने क्या करना है, ये आपका प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका आ गया 5a प्लस माइनस माइनस 5, और ये आपका माइनस 7s। तो इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे देखिए 2x। अब x वाले वेरिएबल और कौन से हैं, ये है आपका माइनस का 2x, साथ में आपका प्लस 4x, यही थे x वाले वेरिएबल वाले आपके टर्म्स। फिर आपका कांस्टेंट प्लस 7 माइनस 3, और कोई टर्म्स नहीं बची हैं। देखिए 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा, 0 प्लस 4 आपका कितना होता है, 4 ही हो गया, 4x आ गया, प्लस 7 में से 3 गया आपका 4 आ गया। तो ये आपकी सॉल्व हो गया सेकंड पार्ट भी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखिए, 12y प्लस का है, माइनस का आपका 2y है, ब्रैकेट में कर लीजिए, माइनस 8x माइनस 10x। यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लस रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखिए इनके, माइनस 8x माइनस का 10x, और कांस्टेंट ऑफ माइनस 4 को ब्रैकेट में रखने की ज़रूरत नहीं है। 12 माइनस 2 दैट इज़ 10y प्लस माइनस 8 माइनस 10 कितने होते हैं, माइनस 18, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन आपका माइनस का आता है, और ये आपका आ गया माइनस 4। फिर ये आपका 10y प्लस इंटू माइनस दैट इज़ माइनस 18x माइनस 4। तो ये सॉल्व होगा आपका थर्ड पार्ट भी। नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट है ए स्केयर, देखिए कोई नहीं है, तो ये आपका ए स्केयर आ गया। फिर है माइनस 2a माइनस 10a, इनको कंबाइन कर दीजिए, मैंने बाहर प्लस लगा दिया, अंदर साइन रखेंगे इनके, माइनस 2a माइनस 10a। फिर प्लस 5a क्यूब अकेला है, 5a क्यूब भी अकेला है, उसके बाद लास्ट में बच गया आपका कॉन्स्टेंट 1। अब ये आ गया आपका ए स्केयर प्लस माइनस 2a माइनस 10a, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आपका माइनस का होता है, 10 और 2 कितने हो गए, 12 हो गए, साथ में है a, और 5a क्यूब प्लस 1। एक चीज़ याद रखनी है आपने, जैसे आप बोलो अगर 5a क्यूब प्लस 1 ऐड हो जाएगा वो 6a क्यूब बनेगा, ऐसा नहीं है। जो लाइक टर्म्स हों, मैंने आपको 6 में भी बताया था, लाइक टर्म्स होती जिनके साथ सेम वेरिएबल हों, जैसे यहाँ पे a है, ये ए स्केयर है, ये ए क्यूब है, ये सभी वेरिएबल डिफरेंट है। यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है, जिसकी डिग्री भी सेम होगी ना वेरिएबल की, तभी वो ऐड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये आपका आ गया ए स्केयर प्लस माइनस माइनस 12a प्लस 5a क्यूब प्लस 1। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में देखिए, 5s5 वाले ढूंढिए, ये देखिए 4s5 और कोई नहीं है, ये आपका आ जाएगा 5s5 प्लस 4s की पावर 5, इन दोनों को ऐड कीजिए। उसके बाद आपका माइनस 2s7 और ये आपका प्लस 3s7, इनको भी आप ब्रैकेट में ही रख लीजिए, ये आ गया आपका माइनस का साइन प्लस आपका ये 2। देखिए ये दोनों प्लस के हैं, 5 और 4 कितने हो गए, 9, और ये आपके आ गया वेरिएबल s की पावर 5। प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया, 1 नहीं आता, 1 आप लिखते नहीं हैं, सिंपली लिखो s7, ठीक है, और साइन प्लस का आएगा क्योंकि 3 बड़ा है ना 2 से, साइन प्लस का आएगा, प्लस ये आपका आ गया 2। नेक्स्ट आपका सिक्स पार्ट है K1 क्वेश्चन का, 11b² और ये देखिए ये भी b², इनको कंबाइन कीजिए, 11b² प्लस का है, ये माइनस का 5b² आ गया आपका, प्लस
टू बी क्यूब और ये आपका माइनस का थ्री बी क्यूब, इनको भी ब्रैकेट में रख लीजिए। 11 माइनस सिक्स दैट इज़ आपका सिक्स बी स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन जो है इस पर बड़े का लगेगा क्योंकि थ्री बड़ा है तो उसके साथ माइनस का साइन है। थ्री में से टू गया आपका वन आता है, वन को हम लिखते नहीं है, सिंपल आप वेरिएबल लिखिए वी का क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के टू क्वेश्चन में आपको बोला गया जो आपको टर्म्स दी एक्सप्रेशन दी गई हैं इनको आपने करना है ऐड। जैसे आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसमें प्लस करनी है ये वाली एक्सप्रेशन, आपकी ये वाली एक्सप्रेशन है इसमें ऐड करनी है ये वाली एक्सप्रेशन, जो भी आपको दो दो एक्सप्रेशन दी गई हैं यहाँ पे आपने इनको ऐड करना है। ऐड करना वैसे ही है, सिर्फ जस्ट एडिशन का साइन लगाना है, बाकी सिंप्लीफाई आपने वैसे ही करना है जैसे कि के वन क्वेश्चन में किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ए पार्ट में आपको है फाइव ए प्लस फोर को ऐड करना है, आपने किस में फाइव ए प्लस थ्री में कीजिए ऐड, की जगह पे आपने प्लस का साइन डाल दीजिए जस्ट फाइव ए प्लस थ्री, फाइव ए प्लस फाइव ए दैट इज़ जो जैसा हमने सिंप्लीफाई अभी किया टेन ए, फोर प्लस थ्री दैट इज़ सेवन, ये तो सिंपल था, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। बी पार्ट में हमको बोला गया है ऐड करना आपने फाइव सी स्क्वेयर माइनस थ्री में फोर सी स्क्वेयर माइनस फाइव, फाइव सी स्क्वेयर प्लस फोर सी स्क्वेयर, फाइव और फोर आपके हो गए नाइन सी स्क्वेयर माइनस थ्री माइनस फाइव, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन जो है माइनस का होता है, थ्री और फाइव आपके हो गए एट। नेक्स्ट देखिए आपको ऐड करना है फोर डी क्यूब प्लस थ्री डी फोर में डी फोर माइनस फाइव डी क्यूब, क्यूब वाले देख लीजिए फोर डी क्यूब प्लस का है ये आपका माइनस का फाइव डी क्यूब है, प्लस थ्री डी फोर प्लस फोर डी फोर कितना हो गया, ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, थ्री में एक और ऐड हो गया तो आपका फोर डी फोर आ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन बढ़ेगा क्योंकि फाइव आपका बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, फाइव में से फोर वन गए तो वन ही बचेगा, सिंपल डी क्यूब प्लस आपका फोर डी का फोर, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, डी फोर वाले को पहले लिखिए कि इसकी डिग्री ज़्यादा है, बाद में लिखिए माइनस का डी क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट में आपको ये टर्म्स दी गई हैं ऐड करने के लिए, थ्री माइनस सिक्स एंड फाइव माइनस एट एंड फोर को ऐड करना है आपने माइनस सिक्स एंड फोर माइनस थ्री एंड माइनस एट एंड फाइव, दोनों में सभी टर्म्स में जो है नेगेटिव साइन था इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा इनको, इनको सिंप्लीफाई कीजिए, थ्री तो कॉन्स्टेंट है और कोई भी नहीं है, माइनस का सिक्स एंड फाइव आपका और ये आपका माइनस का एट एंड फाइव, इसको मैंने कंबाइन कर लिया इन दोनों को, उसके बाद सेम पावर वाले करने ना कंबाइन, तो ये आपका माइनस का एट एंड फोर है और ये आपका माइनस का सिक्स एंड फोर है, इनको कंबाइन कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये थ्री आ गया आपका प्लस माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का, एट और सिक्स कितने हो गए आपके फोर्टीन एन की पावर फाइव, यहाँ पे भी माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन साइन जो है माइनस का, एट और सिक्स यहाँ पे भी कितने आ गए फोर्टीन लेकिन एन की पावर कितनी है फोर, तो इस तरह से इनको आपने ऐड करना है। नेक्स्ट आपको ई पार्ट में ये एक्सप्रेशन दी गई है ऐड करने के लिए, सेवन माइनस थर्टीन पी क्यूब माइनस इलेवन पी में आपने ऐड करना है टू पी क्यूब प्लस एट माइनस फोर पी, पहले देखिए सेवन और एट कॉन्स्टेंट है दोनों, सेवन और एट दोनों प्लस के हैं, सेवन एट आपके हो गए फिफ्टीन, माइनस थर्टीन पी क्यूब प्लस टू पी क्यूब माइनस प्लस माइनस लेकिन साइन बड़े का, थर्टीन में से टू के आपके इलेवन आ गए और पी का क्यूब, उसके बाद पी वाले देखिए माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, इलेवन और फोर कितने हो गए आपके फिफ्टीन पी। नेक्स्ट आपका एफ पार्ट है, यहाँ पे आपका एट एक्स क्यूब माइनस सिक्स प्लस थ्री एक्स फोर वही एक्सप्रेशन में आपने ऐड करना है एक्स फोर माइनस सेवन एक्स क्यूब माइनस थ्री, सबसे पहले क्यूब वाला फाइंड कीजिए, ये है आपका क्यूब वाला, ये प्लस का माइनस का साइन बड़े का होता है, एट में से सेवन गया तो आपका प्लस का एक वन एक्स क्यूब, नेक्स्ट कॉन्स्टेंट टर्म आपकी माइनस सिक्स और माइनस थ्री दैट इज़ माइनस नाइन, थ्री प्लस वन सिंपली हैं दोनों प्लस दोनों के, ये आपका हो गया फोर, थ्री और वन फोर एक्स फोर। नेक्स्ट आपका के थ्री क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करने हैं इस एक्सप्रेशन को ग्रुपिंग करके लाइक टर्म्स, तो वैसे भी हमने जितने भी सिंप्लीफाई किए हैं वो लाइक टर्म्स को ग्रुप करके ही किए हैं, वैसे ही आपने इस क्वेश्चन को भी करना है। तो देखिए यहाँ पे आप लाइक टर्म्स को पहले फाइंड कीजिए, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पी क्यू क्यू फोर ढूंढिए कहाँ पे है, ये है आपका पी क्यू क्यू फोर और है आपका ये आ गया पी क्यू क्यू फोर, थ्री टर्म्स हैं इनको ग्रुपिंग कीजिए आपका आ जाएगा माइनस फाइव पी क्यू
क्यू फोर, फिर से माइनस का फाइव पी क्यूब क्यू फोर, फिर आपका आ गया सेवन पी क्यूब क्यू फोर। ये एक ग्रुपिंग आ गई। दूसरे ग्रुप में देखिए क्या है, सेवन क्यू, क्यू वाली कोई टर्म नहीं है, ये आ गया। नेक्स्ट है आपका उसके बाद माइनस का सिक्स पी, पी वाली कोई टर्म नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। नेक्स्ट है आपका ये वाला एट पी स्केयर क्यू स्केयर, पी स्केयर क्यू स्केयर वाले हमारे पास टर्म है, इनकी ग्रुपिंग कर लीजिए। ये आपका आ गया एट पी स्केयर क्यू स्केयर, और यहाँ पे है आपका माइनस का सिक्स पी स्केयर क्यू स्केयर। तो आपके सभी हो गए हैं, यहाँ पे ग्रुपिंग हो गई है सभी की। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस टेन, लेकिन यहाँ पे प्लस का सेवन, तो आपका पता है आपको माइनस टेन प्लस सेवन दैट इज़ माइनस का थ्री, क्योंकि टेन में से सेवन प्लस माइनस माइनस होता है, टेन में से सेवन जाएंगे थ्री आएगा, लेकिन साइन जो है आपका बढ़ेगा आएगा, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या आएगा माइनस का थ्री, और साथ में कौन सी लाइक टर्म्स आपकी पी क्यूब क्यू फोर। नेक्स्ट आपका था सेवन पी क्यू, सॉरी सेवन क्यू माइनस सिक्स पी प्लस, ये एट है ये सिक्स है, एट में से सिक्स किया आपका कितना बचता है टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट आपका के फोर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने ऐड करना है इस एक्सप्रेशन को, ये वाली एक्सप्रेशन में जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, ये है के फोर की आपकी एक्सप्रेशन को जस्ट आपने ऐड करना है, दोनों को एंड की जगह पे बीच में ऐड लगा दीजिए। अब लाइक टर्म्स को कीजिए, जैसे टू है कांस्टेंट है, थ्री है आपका कांस्टेंट है, टू भी प्लस है थ्री भी प्लस है, टू प्लस थ्री आपका फाइव हो गया, माइनस का एक्स प्लस का एक्स दोनों देखिए ये तो कट जाते हैं यहीं पे, क्योंकि एक्स माइनस एक्स जीरो होता है तो वो तो डायरेक्टली कट जाता है। जब भी दो सेम टर्म्स हो, एक में प्लस हो दूसरे में माइनस हो, वो यहीं पर काट दीजिए। एक्स स्केयर प्लस का एक्स स्केयर, एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर दैट इज़ टू एक्स स्केयर। नेक्स्ट आपका एस वन क्वेश्चन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें आपने ऐड करना है आपका एक्स सॉरी वाई जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, सिंपली जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है। ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स जेड, इसमें ऐड करना है आपने वाई जेड माइनस एक्स जेड प्लस का एक्स वाई, ध्यान से एक्स वाई ढूंढिए, ये है आपका एक्स वाई, ये माइनस एक्स वाई, ये प्लस का एक्स वाई कैंसिल, प्लस वाई जेड प्लस वाई जेड, वाई जेड प्लस वाई जेड आपके हो गए टू टाइम वाई जेड, माइनस एक्स जेड माइनस का एक्स जेड, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, ये भी वन एक्स जेड है, ये भी वन एक्स है, वन और वन कितने होंगे टू एक्स जेड, ठीक है। नेक्स्ट आपका एस टू क्वेश्चन है, ऐड करना है इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इन दोनों के सम में, तो इनका भी सम करना है उसका भी सम करना है, तो आप तीनों को इकट्ठे भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जहाँ इन दोनों का पहले सम निकालिए, जो आएगा उसको आप इसमें ऐड कीजिए, जस्ट आप ब्रैकेट लगा लीजिए इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। ये है आपका एस टू क्वेश्चन, आपने इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसमें ऐड करना है, इन दोनों के सम में। तो पहले आप इन दोनों का सम फाइंड कीजिए, आपका ए माइनस थ्री बी माइनस टू सी को ऐसे ही रहने दीजिए जैसा ये है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए, थ्री ए प्लस टू ए कंबाइन कर लीजिए इनको, थ्री ए प्लस टू ए माइनस टू बी प्लस बी ब्रैकेट में रखिए, माइनस टू बी प्लस बी, सी वाले देखिए सी प्लस थ्री सी ब्रैकेट में रखिए, सी प्लस थ्री सी ब्रैकेट क्लोज, ये आपके सेम ही रहेगा जैसा कि पहले था, माइनस टू सी प्लस थ्री ए प्लस टू ए कितना बच गया आपका फाइव ए, माइनस टू बी प्लस बी टू में से वन माइनस होगा साइन तो बढ़ेगा आएगा, एक बी बच जाएगा, सी प्लस थ्री सी दैट इज़ फोर सी, ये तो पता है ना आपको, माइन यहाँ पे आपका बन रहा था माइनस टू प्लस वन, बी को भूल जाइए अभी, माइनस टू प्लस वन आपका माइनस वन होता है, साथ में बी भी आएगा, वन को हम लिखते नहीं है, माइनस का बी आ गया। अब यहाँ पे देखिए इनको कीजिए ए प्लस फाइव ए कंबाइन कीजिए, वहाँ पे एडिशन हो गई है, फिर है आपका माइनस का थ्री बी वहाँ पर माइनस का बी, फिर है आपका माइनस का टू सी वहाँ पर प्लस का फोर सी, ठीक है। ए प्लस फाइव ए आपका आ गया सिक्स ए, माइनस माइनस प्लस होता है साइन आपका माइनस का, थ्री और वन आपके हो गए टोटल फोर, प्लस माइनस माइनस लेकिन साइन बड़े का बड़ा फोर है, वो फोर पॉजिटिव है, यहाँ पे भी प्लस आएगा, फोर में से टू गए टू सी, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी नहीं, ये आपका आ गया सिक्स ए माइनस फोर बी प्लस टू सी,
नेक्स्ट आपका एस थ्री क्वेश्चन है, ऐड करना है आपने 3a² माइनस 2a प्लस 1 में 3a³ माइनस a² प्लस 5a माइनस 9। देखिए यहाँ पे 3a² माइनस का a² कंबाइन कर लीजिए, 3a² माइनस का a² माइनस का 2a प्लस का 5a, माइनस को अंदर रखिए ब्रैकेट में, माइनस 2a प्लस 5a, उसके बाद 3a³ भी अकेला है और आपका बाद बच गया माइनस 9, वो भी आपका अकेले, नहीं सॉरी माइनस 9 प्लस 1 ये भी है आपका, ठीक है। 3a² में से एक a² गया आपका 2a² आएगा, प्लस माइनस माइनस लेकिन साइन बढ़ेगा, बड़ा 5 है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, 5 में से 2 गए आपका 3 आएगा, प्लस 3a³, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, 9 माइनस में है, 9 में से 1 गया तो आपका 8 आएगा। वैसे तो आप अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, जैसा हमें लास्ट क्वेश्चन में नहीं किए हैं, अगर आप अपने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमेशा जिसकी डिग्री ज़्यादा हो, जैसे 1³ जहाँ पर सबसे बड़ी है तो उसको सबसे पहले लिखना है, 1³ के बाद 2 वाली पावर को लिखना होता है, उसके बाद 1 वाली पावर अगर हो जैसी हो, उसके बाद लास्ट में आपने लिखना है कॉन्स्टेंट टर्म, या आपकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आपका S4 क्वेश्चन है, आपने ऐड करनी है ये दोनों एक्सप्रेशन, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा ना उसको आपने इसमें ऐड करना है, सेम जैसा S2 क्वेश्चन में किया था, वहाँ पे आपने लास्ट वाई टू टर्म्स को ऐड किए और फिर फर्स्ट में ऐड किया था, यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स को ऐड करना है, एक्सप्रेशन को ऐड करना है, फिर थर्ड एक्सप्रेशन में ऐड करना है। ये आपका S4 क्वेश्चन, पहले आपने इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उस एक्सप्रेशन को आपने ये वाला लास्ट एक्सप्रेशन में ऐड करना है। यहाँ पे देखिए 2a, यहाँ पे a वाली कोई टर्म नहीं है, वैसे ही रहेगी, माइनस 5b प्लस 2b, ये दोनों सेम है, लाइक टर्म है, माइनस 5b प्लस 2b, उसके बाद 7 कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, और साथ में यहाँ पे आ गया आपका 4c, ठीक है, ब्रैकेट रख लीजिए आपने, और आपने इसमें ऐड करनी है अपनी लास्ट वाली टर्म 3a³ प्लस बी माइनस 1। देखिए यहाँ पे ये आएगा आपका 2a, प्लस माइनस माइनस लेकिन साइन बढ़ेगा, बड़ा माइनस का है, 5 में से 2 के आपके 3 आएंगे, प्लस का आपका 7 है, प्लस का 4c, उसके बाद आपने ऐड करना है इसमें a² माइनस 3a³ प्लस बी माइनस 1। अब देखिए 2a, यहाँ पे a की कोई टर्म नहीं है, सिंपल आएगा, माइनस 3b प्लस बी, ये टर्म है आपकी, माइनस 3b प्लस बी, ये भी हो गई आपकी, उसके बाद 7 कांस्टेंट, 7 यहाँ पे है, वहाँ पे है आपका माइनस का 1, ये भी हो गया, सी वाली कोई टर्म नहीं है, प्लस 4c आ गई, a² अभी आपका जो था वो यहाँ पे कोई नहीं है टर्म, अपना अकेला लिखना है, a² को ही आ गया प्लस का a², और साथ में माइनस 3a³, ये भी आपकी अकेली टर्म है, इसको भी आपने ऐसे ही लिखना है। अब देखिए आपका आंसर क्या आता है, 2a माइनस 3b प्लस बी, माइनस का 2b, क्योंकि माइनस 3 बड़ा होता है 1 से, प्लस 7 माइनस 1 आपका 6 है, प्लस 4c प्लस a² प्लस 3 माइनस 3a³। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तब भी ठीक है, अगर क्योंकि बोला तो नहीं गया क्वेश्चन में, लिखेगा कर सकते हैं तो ठीक है। सबसे पहले आपका a वाला माइनस का 3a³, फिर a² फिर प्लस a, फिर b वाले ले लीजिए, फिर उसके बाद c वाले, उसके बाद आपका ये कांस्टेंट टर्म, तो इस तरह से आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आपका a1 क्वेश्चन है, लेंथ ब्रेथ रेक्टेंगल की दी गई है, आपको पैरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, आपको पता है रेक्टेंगल का पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ, बस इसी को अप्लाई करना है आपने। देखिए ये आपको लेंथ दी गई है, मैंने एड ले लिया, ये आपको जो ब्रेथ दी गई थी इसको मैंने बी ले लिया, ये यूनिट्स लिखने हैं आपने साथ में, कि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं होता, वहाँ पे आप ये यूनिट्स लिखते हैं। पैरामीटर रेक्टेंगल का होता है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यहाँ पे 2 टाइम ब्रैकेट लेंथ है आपकी 4x² प्लस 3x माइनस 5 प्लस आपकी ब्रेथ है 2x² प्लस एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, 2 रहने दीजिए अभी यहीं पे, 4 प्लस 2, ये दोनों एक्स स्क्वायर हैं, 4 प्लस 2 कितने, दोनों ही एडिशन के हैं, 3x प्लस एक्स, 4x हो गया आपका, माइनस 5 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 8, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस होता है। अब 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 6 12 x² 2 4 8, 2 8 है, क्योंकि 2 अंदर ब्रैकेट में सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और साथ में आप लास्ट में लिखेंगे यूनिट्स की, ये पैरामीटर आ गया आपका रेक्टेंगल का। नेक्स्ट देखिए लेंथ
थी हैं आपको साइड्स ऑफ द ट्राइंगल की, ये लेंथ थी हैं तीनों साइड्स की, आपको पैरामीटर निकालना है ट्राइंगल का। आपको पता था पैरामीटर ट्राइंगल का किसके इक्वल था, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये आप कैलकुलेट कीजिए कि जो साइड्स हैं आपकी S1 S2 S3 जो आपको दी गई हैं ऑलरेडी, ये आपकी आ गई साइड्स, साइड्स की लेंथ दी गई हैं। आप साथ में यहाँ पे यूनिट्स भी लिख सकते हैं, ये आपके यूनिट्स, क्योंकि साइड्स की भी जो लेंथ होती है उसके भी कोई मीटर सेंटीमीटर कुछ होगा। पैरामीटर जो होता है आपका सम ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल होता है, ये आपका आएगा x+1 + x+2। सारी साइड्स को ऐड कर दीजिए यहाँ पे, देखिए x कितनी बार है, 1 2 3, 3 टाइम x आ गया आपका, 1 + 2 3, 3 और 3 कितने हो गए आपके 6। ये आपका पैरामीटर आ गया ट्राइंगल का। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।